केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुशांत सिंह राजपूत हादसे को लेकर किए जा रहे गलत दावे पर दिया बयान। जी हां, आपको बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, An incorrect claim is being made in a section of the media that I have offered to take personal cognizance of Sushant death case. I have not spoken to anyone nor offered to examine any case. Please refrain from believing any unverified statement. इस बीच एम्स के फोरेंसिक के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि इस मामले को लेकर किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचना काफी मुश्किल है। ये एक हादसा है या फिर किसी की साजिश। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम को जितने सबूत मिले थे उसी के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई जिसे उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया। एम्स फोरेंसिक हेड ने इस मामले को लेकर एक और टीम जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले को लेकर एक और फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। सोमवार को एम्स ने अपने बयान में कहा था कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सीबीआई के अनुरोध काम किया है। एजेंसी की तरफ से इस मामले में टीम की राय मांगी गई थी, हमने अपना काम बखूबी पूरा किया है। तो ये है पूरी खबर जहां पर खुद सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिर इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं जिस पर जिसे सही कहना या गलत कहना काफ़ी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन गलत ये बात की बात है, लेकिन इस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाना काफ़ी गलत है। नेक्स्ट टाइम लाइव सुनने की रिपोर्ट।